तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी भी ग्रोथ होती है, इनका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो पांच चीजों की रिक्वायरमेंट होती है इनकी ग्रोथ में। सबसे पहले क्या आता है? ऑक्सीजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, मतलब ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक, तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो ऑक्सीजन बॉडी में यूटिलाइज होगी ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक, नेक्स्ट आता है वाटर। देखो हमेशा ध्यान रखना, वाटर बहुत एसेंशियल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का। ठीक, आप देखते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो बरसात के मौसम में ज्यादा होती है, जब मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक, उस टाइम पे इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो बहुत सक्रिय होता है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वाटर अगर प्रेजेंस होगा, मॉइस्चर अगर प्रेजेंस होगा, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत हाई रेट हो जाएगी। लेकिन समर में, विंटर में क्या होता है कि मॉइस्चर बहुत कम होता है, जिनके कारण क्या होता है इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, होती है लेकिन कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर हम पे पड़ेगी तो क्या होगा? डायरेक्ट सनलाइट अगर हम पे पड़ेगी तो क्या होगा? हम परेशान होंगे, हम उससे दूर भागेंगे, हाँ कि ना? तो यानी कि हमारी ग्रोथ रुकी है। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, शेडी एरिया में इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट इनको मार देगा, जो उनको डायरेक्ट धूप पड़ेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उनको क्या कर देगा? किल। ठीक है, तो शेडी एरिया में इनका जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो शेडी एरिया होती है, ना कि डायरेक्ट सनलाइट। नेक्स्ट क्या आता है? टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर एक बहुत बड़ी रेंज है, 0 से लेके 1000 डिग्री तक होता है, लेकिन इनके लिए एक जो प्रॉपर टेम्परेचर होता है फॉर ग्रोथ वो होता है अप्रॉक्स 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इन दो टेम्परेचरों के बीच, मतलब 25 से 35 के बीच में अगर टेम्परेचर होगा तो उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, अगर 25 से नीचे होगा तो उनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, और 35 से ऊपर होगा तो अभी इनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्या आता है? फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कुछ डेड और डिकिंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, ऐसे को बोलते हैं सैप्रोफाइट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट से अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो दूसरे की बॉडी से जो होस्ट होते हैं उनको, उनसे अटैच होके उनसे अपना खाना लेते हैं विदाउट किलिंग इट, उनको मारते नहीं बस उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं, अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग क्या होती है? फूड है। क्लियर आया? समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो। तो बच्चों अगला टॉपिक आएगा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर चीज को खराब करते हैं ऐसा नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे यूजफुल फंक्शंस भी करते हैं हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, नंबर वन कमर्शियल यूज। पहला कौन सा है? कमर्शियल। कमर्शियल यूज में ये सबसे पहले ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। आप देखते हो ब्रेड मैदा की बनती है, या डोसे का जो बैटर हो गया, पिज्जा का बेस हो गया, एक तरह की ब्रेड होती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनएरोबिक माइक्रो रेस्पिरेशन करते हैं वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट। ईस्ट हेल्प करता है फॉर मेकिंग ब्रेड। कैसे? ईस्ट जो करता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 गैस बनती है, और ये जो CO2 गैस है ये ब्रेड को फुलाने में हेल्प करती है।
ठीक है। दूसरा कमर्शियल यूज आता है मेकिंग चीज और कर्ड, आप चाहो तो कर्ड भी लिख सकते हो, दही। तो ये आपको पता है एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, ये दही में पाया जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा दही वार्म मिल्क में पुट कर देंगे तो क्या होगा, कुछ घंटे बाद वो पूरा का पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही। तो किसने हेल्प करी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, नाम क्या है उसका, लैक्टोबैसिलस। अगला है फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे वाइन बियर, इसमें भी ईस्ट बहुत हेल्प करता है, ये शुगर को मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज आता है वो आता है मेडिसिनल यूज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको पता है जो बैक्टीरिया को मारती है बॉडी के अंदर, एक मेडिसिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिखता है, ठीक है। जैसे पेनिसिलिन हो गई, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, ये सब बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया को किल करने वाली दवाई होती है। नेक्स्ट जो यूज आता है वो आता है मेडिसिनल में वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन लगती है ना आपको बचपन से ही लगना शुरू हो जाती है, BCG है, पोलियो वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वैक्सीन है। तो वैक्सीन में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है वैक्सीन में, जैसे मान लो हमें कोई, हम बीमार पड़ गए, हमें कोरोना हो गया, और हमारे बॉडी में कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलती। तो जब भी कोई डिजीज हमारी बॉडी के अंदर आती है तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एंटीबॉडीज तो बाद में बनेंगे, पहले तो वो हमें बीमार कर देंगे। तो आप ऐसा सोचो कि मान लो बीमारी आने से पहले शरीर में उस बीमारी से रिलेटेड एंटीबॉडीज बन जाए तो क्या होगा, कि जब वो बाद में बीमारी आएगी तो हमारे पास सैनिक पहले से तैयार है लड़ने के लिए और उसको मार के भगा दे। तो यही वैक्सीन का काम होता है। वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देती है अलग 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 टाइप की बीमारी की। मान लो इन फ्यूचर अगर वो बीमारी आती है तो हमें बिना परेशान किए वो एंटीबॉडीज उस बीमारी के जम्स को मारती है। तो इससे क्या होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा वो जम्स मर जाए, ठीक है। नेक्स्ट यूज होता है एग्रीकल्चरल यूज, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो रूट में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में पाया जाता है। ये क्या करता है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कन्वर्ट कर देना दूसरी फॉर्म में जिसका नाम है नाइट्रेट, और प्लांट उस नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब तक वो कन्वर्ट नहीं करेगा प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, नाम क्या है, राइजोबियम। लास्ट है एनवायरमेंटल यूजेस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डिकम्पोजिशन। कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट खराब हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, धीरे धीरे उनको सड़ाते जाएंगे, इनको डिकम्पोज करते जाएंगे। डिकम्पोजिशन से क्या होगा कि इनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाएंगे, इससे क्या होगा न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस बनी रहेगी। आई समझ में, तो ये बहुत सारे यूजेस हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ में आ गया, इसको नोट करिए। शुक्रिया।